इधर राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी हंगामा भरेंगे। इस बार सीएम राजे के गढ़ियाने की झालावाड़ में जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के राजस्थान के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी 24 और 25 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राहुल के दौरे का कांग्रेस ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 24 और 25 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को सुबह 11:43 पर पहुंचेंगे झालावाड़। 12 बजे झालावाड़ के क्रिकेट मैदान में होगी राहुल की सभा। दोपहर 1:20 पर शुरू होगा राहुल गांधी का रोड शो। 2:40 पर सुकेत में होगा राहुल गांधी का स्वागत। 3:20 पर कोटा के दबादे में होगा स्वागत। 4:45 पर मंदाना एग्रीकल्चर मंडी में होगी कॉर्नर मीटिंग। शाम 6:00 JDB गर्ल्स कॉलेज में होगा स्वागत। 7:10 पर नयापुरा में होगी सभा। कोटा में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। 25 को कोटा में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 11:50 पर कोटा से सीकर के लिए होंगे रवाना। 12:25 पर सीकर पहुंचेंगे राहुल गांधी। दोपहर 1:00 सीकर के स्टेडियम में होगी राहुल की सभा। 25 अक्टूबर को शाम 3:00 दिल्ली के लिए होंगे राहुल गांधी रवाना। 24 तारीख को राहुल गांधी जी का 2 दिवसीय दौरा चालू होगा। पहली मीटिंग राहुल जी की झालावाड़ जिले में है, मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि कई बार अफवाहें उठती रहती हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलेंगी, लेकिन वहाँ के लोगों की दशा जो है वो सबके सामने है। राहुल जी एक बहुत बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे झालावाड़ में मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में। उसके बाद हम सड़क मार्ग से कोटा आएंगे। लगभग आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क होगा, मीटिंग्स होंगी और संवाद का कार्यक्रम राहुल जी का रहेगा। 25 तारीख की सुबह महिला कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कोटा में है। उसके बाद वो विमान से कोटा से जाएंगे सीकर, और सीकर जो शेखावटी का हब है वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी किसान सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसको राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। ये 2 दिन का कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी अभियान है, जो कैंपेन है, राहुल जी के आने से हम लोगों को बहुत गति और बल मिलने वाला है। उधर पायलट ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। राज्य सरकार में बजरी, शराब, खनन माफिया बड़े पैमाने पर पनपे हैं। पायलट ने झालावाड़ में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी का आरोप भी लगाया। कोटा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और खासकर झालावाड़, जहाँ पर लसन किसान हैं, बाकी भी किसान हैं, उन लोगों ने लगातार आत्महत्याएं की हैं और मुख्यमंत्री जी और वहाँ के मंत्रियों ने इन घटनाओं को सिरे से नकारा है। उनके पास आधे घंटे का समय नहीं है कि जिस व्यक्ति के परिवार में आत्महत्या हुई है उन लोगों के जाके आंसू पोंछने का काम वो कर सकें। ऐसी सरकार पहली बार हमने देखी है। हम खुद वहाँ पर गए, लोगों से मिला, जितनी मदद हो सकी हमने करी भी है, लेकिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, उनके इलाके में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और हाड़ौती के क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक तरह से भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक रूप लेकर आगे बढ़ रही है। हमारा जो घोषणा पत्र भी आएगा उसमें भी हम किसानों की प्राथमिकता में रखेंगे। पायलट ने बीजेपी पर कांग्रेस के सवालों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों और मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। इधर हाड़ौती में राहुल तैयारियों का जायजा लिया। दिनेश यादव की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाड़ौती दौरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। झालावाड़ में होने वाले रोड शो के बारे में जब पूछा गया और कहा इन्होंने कि 12 जिले में 35,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान 12 पंचायत समिति के प्रधान अजीत सिंह माथनी भी उनके साथ मौजूद थे। बड़े उत्साह के साथ पूरे 12 में, झालावाड़ में, कोटा में व्यापक तौर पर तैयारियां चल रही हैं और खुशी की बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम आवाम है वो राहुल गांधी के कार्यक्रम को